एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड, कितने वॉल्यूम में स्टोर्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया प्लेट का ए है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में डी है, तो वॉल्यूम कितना है इस पोर्शन में, एरिया इंटू डी इसका वॉल्यूम है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वॉल्यूम में स्टोर्ड है, एरिया इंटू डी वॉल्यूम में स्टोर्ड है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सिंबल छोटा यू होता है, एनर्जी का सिंबल बड़ा यू होता है। इंपॉर्टेंट है, बड़ा यू एनर्जी होती है जूल में, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को छोटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, छोटा यू बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है, और वॉल्यूम एरिया इंटू डी है कैपेसिटर का, सी नीचे आ गया, सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे अगर क्यू चार्ज है, ए एरिया है, तो चार्ज अपॉन एरिया के रेशियो को सिग्मा बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, सिग्मा का स्क्वायर। तो मेरे पास सॉल्व करके ये आ जाता है हाफ, ये आ जाता है हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है। मैं इस रिजल्ट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये करने पर ये आंसर आ जाता है। इन्हें मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कैपेसिटर के बीच में, ई स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट हो जाता है, लिखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पता है क्या करेगा, वो आपको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दे देगा किसी भी स्पेस में, और उस स्पेस का वॉल्यूम भी दे देगा, पूछेगा कि बताओ उस स्पेस में एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला नोट कर लें, फॉर्मूला काम आता है। सीबीएसई के अंदर तो ये फॉर्मूला मार्क करने को भी आ सकता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है।